देखिए, जो हमारा कॉर्पोरेट और बिजनेस लीडरशिप है, मैं ऑलमोस्ट डेली इंटरेक्शन सबसे करता हूँ, हर इंडस्ट्री से करता हूँ. दे आर वरीड एक्चुअली, बिकॉज के अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है. आपको ये नहीं पता कि डॉलर का रेट 3 महीने बाद क्या होगा. आपको डॉलर नहीं मिल रहा मार्केट में, ब्लैक में मिल रहा है. आपको ये नहीं पता कि आगे पॉलिटिकल सिचुएशन क्या होगी, इलेक्शन कब होगा, होगा नहीं होगा, होगा तो किस तरह से होगा, उसके बाद क्या होगा. जब ये सवालात आ जाते हैं ना, तो इन्वेस्टर हमेशा जो न्यू इनिशिएटिव्स होते हैं उस पर काम रोक देता है. और वो बिल्कुल राइट होता है, बिकॉज के अपनी इन्वेस्टमेंट को कोई डूबता हुआ नहीं देख सकता, उसको हाई रिस्क पे नहीं रख सकता. तो ये तो आपका लोकल, एक जितने हमारे कॉर्पोरेट लीडर्स हैं, बिजनेस लीडर्स हैं, उनकी सोच है, एक कंबाइंड सोच है. दे वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, दे वॉन्ट टू कंटिन्यू, बट अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रुक गए हैं, सब कुछ रुक गया है. एक अनसर्टेनिटी है, आपको पता ही नहीं कि आगे क्या हो रहा है. और एक नेशनल एनवायरनमेंट भी इस किस्म का चल रहा है कि लोग थोड़ा सा पैनिक में आ गए. तो एक तो पैनिक नहीं लेना चाहिए उस लेवल पे. मैं ये समझता हूँ कि सब कुछ सही रहेगा, लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि हमें वो करना चाहिए जो मुल्क के लिए बेहतर है. और हियर मैं आई एम नॉट शेयरिंग एनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट. मेरी अपनी सोच ही कहती है आपको अर्ली इलेक्शन कर लेने चाहिए. इस वक्त आई थिंक वो पॉइंट आ गया है कि आप जितनी जल्दी इलेक्शंस करें, और इस मुल्क में एक दफ़ा आप पहली दफ़ा फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दें. जो भी पार्टी आती है उसको आप गवर्नमेंट दें और उसकी टर्म पूरी करने दें. 5 साल की जगह 4 साल की टर्म कर लें, पेशेंस वैसे ही आ जाएगा. तो ये जो सिचुएशन इस वक्त है बिज़नेस की, वो बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है. आपका इम्पोर्ट कम्प्लीट रुक गई है, उसके अपने मसले हैं. स्टेट बैंक पैसे बाहर नहीं आने दे रहा, उसके अपने मसले हैं. जो जिस तरह से इस वक्त चल रहा है, बिज़नेस कम्युनिटी इस वक्त जनरली परेशान है, और इसका इम्पैक्ट बहुत सारे सेक्टर्स में ऑलरेडी आ रहा है. मेरे बहुत सारे फार्मास्यूटिकल के दोस्त हैं, बड़े परेशान हैं. बहुत सारी और सेक्टर्स हैं इनके लोग बहुत परेशान हैं, वो डेली बेसिस पे चीज़ें फेस कर रहे हैं. तो आई थिंक कि इसमें जो हमारी टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसको एक पेज पर बैठना चाहिए, अपने सारे इख्तलाफात को सामने रखते हुए मुल्क के लिए आपको एक पेज पर बैठना चाहिए, और जो भी फिर आप फैसला करें उससे बेहतरी आएगी. बट एक मैसेजिंग जाना बहुत ज़रूरी है. एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है एक बिजनेसमैन को, तो वो उस कॉन्फिडेंस की बेस पे इनिशिएट करता है. और अगर वो कॉन्फिडेंस का शेक हो जाए, या उस पर मिस्ट्रस्ट आ जाए, या डाउट्स क्रिएट हो जाए, तो उसको अगर पिक्चर के लिए नज़र नहीं आ रही, वो कभी भी इनिशिएटिव नहीं लेगा. आई एम ऑल्सो डूइंग बिजनेस, सो आई एम ऑल्सो ऑब्जर्विंग वॉट इज़ हैपनिंग अराउंड. एंड माई फोरकास्ट इज़, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, बट 2023 इज़ नॉट अ गुड ईयर फॉर बिजनेस. आई एम टेलिंग यू, बिकॉज दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज इलेक्शन ईयर, और उसमें अगर क्लैरिटी नहीं हुई ना, तो चीज़ें फर्दर डाउन होंगी. तो ये एक मसला है. फिर पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ नहीं जाता, ये अचीवमेंट नहीं है. अगर कोई फाइनेंस मिनिस्टर है, कोई बैठ के स्टेटमेंट दे रहा है, ये अचीवमेंट नहीं है. ये शर्म का मुकाम है कि हम बात कर रहे हैं कि इतने बिलियन डॉलर लोन में आ गए हैं, डिपॉजिट आ गया है, कोई भी गवर्नमेंट हो. इसी तरह से हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, ये कोई अचीवमेंट नहीं है. कौन सी कंट्री में ये बात हो रही है? हम एक तरफ इतने पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, इतनी मैं आपको पॉजिटिव पिक्चर शो कर रहा हूँ, और ये सिर्फ पिक्चर शो नहीं कर रहा, दिस इज़ द ग्राउंड रियलिटी. तो आप बात कर रहे हैं हम डिफॉल्ट नहीं होंगे, तो आप सोचें तो कि आपका माइंडसेट क्या है. और कॉम उस पर खुश होती है कि यार हम डिफॉल्ट नहीं होंगे. लेकिन मेरी जो डिस्कशन होती है लोगों के साथ, जो इंडस्ट्री के एक्चुअल प्लेयर्स हैं, मेरी असेसमेंट ये है कि कोई वजह नहीं है कि आप डिफॉल्ट नहीं होंगे. वो आर्टिफिशियल मेजर्स होंगे जिस वजह से आप डिफॉल्ट नहीं होंगे. अगर आप उसको फ्री छोड़ दें तो आप डिफॉल्ट हो जाएंगे. तो हेयर वी आर स्टैंडिंग. सो देयर इज अगेन अ नीड ऑफ बिग रीथिंक एक्चुअली इन एवरी मैटर रिलेटेड टू दिस कंट्री. अदरवाइज हम आज तो सर्वाइव कर रहे हैं. हमेशा से हम कहते हैं पोटेंशियल है, ये है हमारी, ये स्ट्रेटजिक लोकेशन है. जिस पेस से दुनिया आगे जा रही है, आज से 5-8 साल बाद आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. और जो मैंने आपसे इंटरनेशनल पर्सनैलिटी वाली बात की, उसने कहा 3 से 4 साल है आपके पास, उसके बाद कोई ट्रस्ट नहीं करेगा आपके ऊपर, यू विल बी इररेलेवेंट. एंड दिस इज़ द रियलिटी. मैं एक प्रोफेसर को बुलाया था, इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर था, वन ऑफ द टॉप प्रोफेसर इन द वर्ल्ड, और उसने मुझे सिर्फ एक बात कही थी. मेरे कुछ और दोस्त भी बैठे थे जाने से पहले, उसने कोई हफ्ता गुजारा था पाकिस्तान में, एंड ही सेड कि अगले 10-12 साल सिर्फ इकोनॉमी पर फोकस करें, छोड़ दें बाकी सब कुछ. ये आपका पोटेंशियल है कि आप 10-12 साल में पेस पढ़ के ऊपर जा सकते हैं. 15-16 साल में आप बहुत बड़ी कंट्री होंगे, फिर आप अपने सारे मसले जितने हैं ना, वो आप दूर कर सकते हैं. सब कुछ आपकी से होगी. आज आपकी से कोई नहीं है. तो हम अपने
खुद दुश्मन है और सबसे बड़े दुश्मन है। देयर इज नो एक्सटर्नल थ्रेट टू पाकिस्तान, ट्रस्ट मी। फिर एक आपका एजुकेशन सिस्टम है। आज जो सबसे बड़ा बिगेस्ट थ्रेट है पाकिस्तान का, वो ना तो इंडिया है ना इसराइल है, वो 25 मिलियन किड्स आउट ऑफ स्कूल है। आज पाकिस्तान की पॉपुलेशन 23 करोड़ है, जिसमें 65% पॉपुलेशन अंडर 32 ईयर्स ऑफ एज है। बाय 2048 ये 40 करोड़ रुपये होगी और 65% पॉपुलेशन अंडर 30 ईयर्स ऑफ एज होगी। तो अगर आपके 25 मिलियन किड आउट ऑफ स्कूल हैं, उनको आपने एजुकेशन दें और अगर आप उनको वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, तो क्या होगा 10-12 साल बाद? ये तो आपका एटम बम से ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ हो जाएगी। तो इट्स अप टू अस अगेन कि हम उनको एसेट बनाते हैं या हम उनको एक डिज़ास्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो द बिगेस्ट थ्रेट टू पाकिस्तान टुडे इज़ दीज किड्स आउट ऑफ स्कूल। ये 2.5 करोड़ कोई छोटा नंबर नहीं है, ये वो है जो तालीम ही हासिल नहीं कर रहा है। तो अगर तालीम नहीं हासिल करता, उनको ट्रेनिंग दे दें, टेक्निकल स्किल्स दे दें, ताकि वो कुछ काम धंधा कर सके। बट अगर आप वो भी नहीं करेंगे तो वो क्या होगा? फिर वो स्लम्स के बच्चे होंगे, फिर वो बैगिंग करेंगे, फिर वो चोरी करेंगे, क्राइम बढ़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर चेंज होगा। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमें सोचनी चाहिए। फिर एक और इशू जो मैं देखता हूँ, बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान के लिए, लोकल बॉडीज। डिक्टेटर आता है तो लोकल बॉडीज इलेक्शन होते हैं, सब कुछ होता है, अदरवाइज सिर्फ आप कोर्ट के थ्रू और वैसे इलेक्शन कराते हैं। तो लोकल बॉडीज लेवल पे आपको एम्पावरमेंट देनी चाहिए। ये ग्रास रूट से चीज़ें जब तक नहीं आएंगी, आप कभी डेमोक्रेसी को फ्लरिश नहीं कर पाएंगे। ये सारे मसले इसी की वजह से हो रहे हैं। तो लोकल बॉडीज जो आपकी हैं, वो एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है और वो गली मोहल्ले तक पहुँचता है, एक आम आदमी तक पहुँचता है, एक आम आदमी की एक्सेस होती है अपने इलाके के रिप्रेजेंटेटिव तक। तो ये एक और बहुत बड़ा इशू है जो पाकिस्तान को एड्रेस करना चाहिए। तो तीसरा बड़ा इशू मैं एक और देखता हूँ, वो हमारी जुडिशरी है। लाखों केसेस पेंडिंग हुए हैं, जुडिशरी ने बहुत अच्छे इकदाम भी किए होंगे, बट ओवरऑल आई थिंक अगर मैं परफॉर्मेंस देखूँ एज अ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, अगर मैं उनकी भी इवेल्यूएशन करूँ, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अप्रेजल करूँ, तो मेरा ख्याल से बिलो एवरेज भी परफॉर्मेंस नहीं है। तो ये लाखों केसेस का पेंडिंग में होना, फिर जो हमारा जस्टिस सिस्टम है ओवरऑल, दिस इज़ अ डिज़ास्टर एक्चुअली। विदाउट जस्टिस सिस्टम यू कॉन्ट प्रोग्रेस, आप कभी प्रॉस्परस कंट्री नहीं बन सकते। जब आपकी पॉपुलेशन 23 करोड़ और 40 करोड़ पे होने जा रहा हो अगले 25 साल में, तो दीज आर द एक्चुअली मेन फैक्टर्स, जो रूट कॉज है, जिनको हमें एड्रेस करना होगा। तो ये कुछ इशूज़ हैं जिसपे एज अ नेशन हमें वन वॉइस होना चाहिए और उस पर हमारा एक नेशनल कंसेंसस होना चाहिए। और उससे पहले अगर हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप एक कंसेंसस डेवलप कर लेती है, नेशन पीछे खड़ी होगी। लेकिन अगर पॉलिटिकल लीडरशिप उस पर कंसेंसस नहीं डेवलप करती, तो फिर ऑफ कोर्स एक डिवाइड होगा। और ये जो रूट कॉज की हम बात कर रहे हैं, इसको हम कभी रिमूव नहीं कर सकेंगे, इनको अभी एड्रेस नहीं कर सकेंगे।